हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि आपने टाइटल में देख भी लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो इंटरेस्टिंग सी चीज क्या होने जा रही है, और आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हस्बैंड लोग हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमारे हस्बैंड हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, हर चीज में मोटिवेट करते हैं, हर चीज में हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी एक्स्ट्रा केयर करें। वैसे तो हम सभी अपने हस्बैंड की बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन इस सबके बीच, घर के काम, बच्चों को संभालना, इतनी ज्यादा बिजी रूटीन के बीच में आप लोग कैसे अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हो, कैसे उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, कैसे हम दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी गाइस। और साथ ही साथ मैं अपने हस्बैंड की जो स्किन केयर रूटीन है, हेयर केयर रूटीन है, ये सब चीजें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी ये छोटी सी कोशिश, और पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपकी और फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो अभी मैं राज के फेस पर सबसे पहला जो स्टेप करने जा रही हूँ वो है, मैं राज को पहले ब्लीच करूंगी, उसके बाद मैं उनके बालों में हीना को अप्लाई करूंगी। तो आपने बोला था हीना अप्लाई करते हुए भी दिखाइएगा, तो आज राज की छुट्टी है, आज वो ऑफिस नहीं गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। तो आज मैं अभी एक्चुअली राज के फेस पर पहले ब्लीच लगाऊंगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था उनको मैंने ब्लीच नहीं लगाई थी फेस पर, क्योंकि वैसे ही मैं महीने में एक बार उनका स्किन केयर रूटीन करती ही हूं। बट अगर आप वो भी कम्प्लीटली देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगी इस पर भी वीडियो। तो अभी फिलहाल मैं ये उनके फेस पर ब्लीच करूंगी, उसके बाद ब्लीच जब वो वॉश करेंगे तब मैं हीना अप्लाई करूंगी उनके बालों में। तो चलिए मैं उनके फेस पर आपको ब्लीच अप्लाई करते हुए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ VLCC इंस्टा ग्लो ऑक्सीजन ब्लीच, ये काफ़ी अच्छी ब्लीच है, तो मैं इसे अप्लाई करूँगी अभी राज के फेस पर। पता नहीं राज को क्यों डर लग रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ। और मैंने अभी तक अपने बालों में तो हीना को अप्लाई नहीं किया है, पहले मैं राज को हीना अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं अपने बालों में हीना को अप्लाई करूंगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ राज के बालों में मेहंदी, और उसके बाद मैं अपने बालों में अप्लाई करूंगी। जो राज के आगे के छोटे बाल है ना, उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लेकर बालों का तब लगा रही हूँ मेहंदी, ताकि अच्छे से सारे बालों में अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगा चुकी हूँ राज को, कुछ बोलना चाहोगे? रिजल्ट देख चेक करते हैं थोड़ी देर बाद कैसा निकलेगा। कुछ नया नहीं है, जैसे पहले लगाती हूँ वैसे ही लगाई है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, कि मैंने यहाँ पर ये लोहे के बर्तन में ही गोल कर रखी हुई थी मेहंदी रात को, ताकि इसका जो रंग है ना वो अच्छे से इसमें आ जाए मेहंदी में। तो अभी मैं एक घंटा या डेढ़ घंटा इनको लगाकर रखूंगी, उसके बाद नॉर्मल पानी से इनके बालों को वॉश करना है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं ब्राउन कलर की मेहंदी लगाने जा रही हूँ अपने बालों में, ये है मेघा नेचुरल ब्राउन गोल्ड सीरीज। तो ये मेघा की ब्राउन कलर की मेहंदी है, और इसे मैं अपने बालों में अप्लाई करने जा रही हूँ, और ये नेचुरल हीना कलर है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो हिंदी में भी मेंशन की हुई है और इंग्लिश में भी। तो आपको इसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर इसका फेस टेस्ट कर देख लीजिएगा, और इसके ऊपर सभी चीजें जो मेंशन की हुई है उसे रीड कर लीजिएगा अच्छे से। और गाइस, मैं इसे अपनी आईब्रोज पर अप्लाई नहीं करूंगी, ये जो मेहंदी है ये आईब्रोज और पलकों को रंगने के लिए नहीं है, इस पर ये चीज मेंशन की हुई है स्पेशली इन्होंने, कि आपने इसे अपनी आईब्रोज पर और पलकों पर नहीं लगाना है, क्योंकि इससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं भी नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ अपने बालों में अप्लाई करूंगी। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो प्लीज एक बार फेस टेस्ट जरूर कर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप देख सकते हो अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर ली है मैंने यहाँ पर,
और मैंने बालों में शैम्पू किया हुआ है, इस वक्त मेरे बालों में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ है। तो मैं इस मेहंदी के घोल को तैयार कर चुकी हूँ और मैंने इसे आधे घंटे तक बस भिगोकर रख दिया था। वैसे आपको फ्रेंड्स जैसे भी मेहंदी लगानी आती है तो आप लगा लीजिएगा। आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैं राज के साथ ही मेहंदी लगाऊं, मतलब तो यहां पर हम दोनों ने ही मेहंदी लगाई हुई है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही लगा रही हूं वैसे इस मेहंदी को, इससे पहले मैंने कभी बेगा मेहंदी यूज नहीं की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेहंदी को लगा लिया है और मैंने थोड़ी थोड़ी सारे बालों के सेक्शन में लगा ली थी। अगर आपके छोटे बाल हैं ना तो आपके लिए ये दो पाउच काफी होंगे, लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा लंबे बाल हैं तो दो पाउच तो इनफ नहीं होंगे, कम से कम भी आप चार पाउच लेंगे तब जाके आपके बालों में पूरी ये कम्प्लीट लगेगी। तो फिलहाल मैंने लगा ली है और मैं इसे एक घंटे तक लगाकर रखूंगी और राज को भी मैंने एक घंटा लगानी है। इसके बाद मैं बालों को वॉश कर लूंगी और राज भी अपने बालों को वॉश कर लेंगे। सिर्फ ठंडे पानी से ही वॉश करूंगी, नेक्स्ट डे शैम्पू करूंगी, यानी कि मैं कल शैम्पू करूंगी। उसके बाद आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि मेरी मेगा मेहंदी का कैसा रिजल्ट आया और उनकी मेहंदी का भी क्या रिजल्ट आया। राज को मैंने जो नॉर्मल हरे रंग की मेहंदी होती है वही अप्लाई की है, मेगा उनको नहीं लगाई है, मेगा मैंने अपने बालों में लगाई है। तो उनको मैंने जो लगाई थी वो थी नुपुर मेहंदी, वो ग्रीन वाली मेहंदी थी, तो वो उनको अप्लाई की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मेरी मेहंदी जो है वो सूख चुकी है और राज की मेहंदी भी सूख चुकी है। बस अभी हम अपने बालों को वॉश करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले राज वॉश करेंगे उसके बाद मैं वॉश करने जाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राज ने बालों को वॉश कर लिया है और कितना अच्छा कलर आया है बालों में। सो गाइस आपने देखा हम दोनों ने ही बालों को वॉश कर लिया है और अभी मैं राज के फेस पर एक फेस पैक लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर राज और मैंने दोनों ने ही फेस पैक लगा लिया है फेस पर, ये देखो। तो बस मैं इसे अभी थोड़ा सूखने दूंगी, उसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी और थोड़ी देर में राज भी वॉश कर लेंगे। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और गाइस अगर आप ऐसी ही और भी हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस, ऐसी और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।